हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये क्लिप है 23 मार्च की और इवनिंग का टाइम हो रहा था। हम सभी लोग बैठ के, सभी लोग नहीं, मैं और मोनिका ही हूँ यहाँ पे, माला बना रहे हैं। तो बहुत सारे फूल दिख रहे होंगे आपको। तो ये माला बन रही है हनुमान जी के मंदिर के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है मोनिका के जो पापा हैं भैया, उनका मंदिर है हनुमान जी का। तो ये वहाँ के लिए माला बन रही है, क्योंकि कोई भी फूल वाले नहीं बैठ रहे हैं आजकल बाहर कोरोना की वजह से। इसीलिए हम लोग घर में बना के तैयार कर रहे हैं ये माला, और ये सारी माला हम लोग मंदिर के लिए बना रहे हैं। तो माला बनाते बनाते ना भूख लगने लग गई थी, तो हमने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं। तो बना रहे हैं पनीर मंचूरियन, और मोनिका ही बना रही है, मैं तो उसकी हेल्प कर रही हूँ। यहाँ पे पनीर लिया है और उसे कट कर लिया है चौकोर पीसेस में। इसमें मैदा डाली है 4 से 5 चम्मच, और नमक डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, और यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। यहाँ ऑयल रख दिया है फ्राई करने के लिए, तो आप चाहे सैलो फ्राई कर सकते हो, आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए हैं, और यहाँ पे ऐड कर रही है 3 से 4 चम्मच दही। और दही ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और अभी इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से उसने कल चंक्स का भी बनाया था मंचूरियन, जो सोयाबीन होते हैं उसका भी मंचूरियन बनाया था। तो आज हमने सोयाबीन की जगह लिया है पनीर, क्योंकि सोयाबीन मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। तो उसने बोला दीदी पनीर का बना लेते हैं, आप भी खा लोगी। तो यहाँ पे उसने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है 1 चम्मच, और अच्छे से मिक्स कर देगी, जिससे जो मैदा है वो अच्छे से कोट हो जाएगी पनीर के ऊपर, और इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो, उसने छोटा बर्तन रखा था, क्योंकि फालतू क्या करना है, थोड़े से तो बना ही रहे थे। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल में उसको डीप फ्राई कर लिया है, और यहाँ मैंने रख दी है कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला था, उसमें शिमला मिर्च डाल दी है हरी वाली, यहाँ येलो और रेड शिमला मिर्च भी है, वो दोनों मैंने इस तरह से काट के डाल दी हैं, और इनको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। और इसको हल्का सा नमक भी डाला था मैंने, जिससे जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाए। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी होती है मंचूरियन में, आपको पता ही है। इसको हल्का सा क्रंची रखेंगे। तो बस यहाँ पे मैं जो शिमला मिर्च है उनको इस तरह से सॉटे कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, उसको भी मैंने इस तरह से स्क्वायर पीसेस में कट किया था, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया है। तो ये रेसिपी मोनिका की है, ज़रूर बताएगा आप सभी को कैसी लगी लास्ट में। और यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, और इसने बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि वो छोटी पड़ रही थी। इसमें इसने नमक मिर्ची ऐड किया है, लाल वाली मिर्च और नमक। और इसके बाद कुछ सॉसेस हैं जो वो ऐड करने वाली है, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, और थोड़ी सी सोया सॉस, और थोड़ा सा विनेगर। तो ये सारी चीज़ें इसने इसमें ऐड कर दी थी। उसके बाद इसमें पनीर ऐड कर दिया है, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये बनके तैयार हो गया है। थोड़ा सा ऊपर से आप चाहें तो इसमें धनिया भी डाल सकते हो, धनिया पत्ती, लेकिन नहीं डाली थी क्योंकि ख़त्म हो गया था। और ये बनके तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना था, अच्छा बना था, आप भी ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह से उसने सोयाबीन का भी मंचूरियन बनाया था, तो वो भी सबको पसंद आया था। तो बस इसको आप सर्व कर लेते हैं, और ये बनके तैयार है। इसको खाने के बाद फिर से हम लोग माला बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर टेस्ट कर रही हूँ कैसा बना था, लेकिन बहुत अच्छा बना था। तो ये हम लोगों ने कर लिया है सर्व, और सभी लोगों को दे दिया है। ये मोनिका का है और ये भी जगह मेरा है। तो इसको भी खाने के बाद हम लोग फिर से माला बनाने वाले हैं, क्योंकि माला बहुत सारी बनानी थी। रात को 12:15 बजे तक हम लोगों ने माला बनाई थी, बीच में हम लोगों ने लंच भी कर लिया था। तो ये आप देख सकते हो सारी मालाएं बन चुकी हैं, काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, और थोड़ी बहुत और बची है, तो वो मोनिका कंप्लीट कर रही है। तो इसी तरह से 12-13 माला बनी थी मंदिर के लिए, और कुछ मालाएं बनी थी घर के लिए, क्योंकि नवरात्रि में भी लगने वाले हैं। तो ये आप फूल देख सकते हो, बहुत ही सुंदर फूल थे, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी पूरे घर में फूलों की। तो ये मालाएं मैं आपको दिखा रही हूँ। और अभी हो रहा है नेक्स्ट डे, तो मैं सारा घर का काम करके मैंने सोचा कि चलो अपना वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। रात को तो कंटिन्यू नहीं किया था मैंने, क्योंकि बहुत रात हो गई थी वहाँ से आते आते। और यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ, तो बस यहाँ पे बेसन का घोल मैंने तैयार कर लिया है। मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने चश्मा लगाया है सुबह सुबह। सारे घर के काम हो गए हैं, उसके बाद लंच तैयार कर रही हूँ। तो लंच में मैंने कढ़ी बनाई थी, क्योंकि मन कर रहा था खाने का, और दूसरे दिन से नवरात्रि स्टार्ट होने वाले थे, तो फिर नहीं खा पाते, इसलिए मैंने सोचा चलो कढ़ी बनाते हैं। क्योंकि मोनिका जो है वो 9 दिन के फास्ट करने वाली है, तो उसको भी मेरे हाथ से बनी हुई कढ़ी खानी थी, इसलिए मैंने आज कढ़ी बना ली थी। तो यहाँ पर मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया है, और बस छौंका लगा रही हूँ उसका कढ़ी का, और कढ़ी बनती रहेगी। उसके बाद फिर राइस बना लूँगी, चपाती बना लूँगी, वही सब जो साथ में बनाते हैं। थोड़े से मैंने पापड़ भी फ्राई किए थे। Thank you.
तो ये बनाया है मैंने गर्मा गर्म चपाती, साथ में प्याज काटी है, जीरा राइस बनाया है, पापड़ फ्राई कर लिए हैं और ये पकौड़े डाल के मैंने कढ़ी बनाई है। तो कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी और मोनिका को भी पसंद आई, उससे कम चीज़ें पसंद आती हैं लेकिन हाँ उसको पसंद आ गई थी। तो बस ये हमारा लंच था। गाइस जी देखिए इतनी तेज़ आंधी तूफान आ रहा है कि अब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा है और भगवान भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है कोरोना को, क्योंकि हम चाहते हैं कि गर्मी आए, बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तो उससे क्या है कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, भगवान को ये मंजूरी नहीं है। आंधी तूफान आ गया है एकदम से, देखो क्या मौसम हो गया, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे बहुत तेज आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, बारिश भी आ रही है साथ में, बादल की आवाज़ देख रहे हो आप, गरज रहा है, बरस भी रहा है, ये कोरोना को जाने नहीं देगा, पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। जब चाहते हैं कि बारिश आनी चाहिए उस मौसम में बारिश नहीं आती है, बिन मौसम बारिश आ रही है। ओ माय गॉड कितनी तेज आंधी आई है। गुड इवनिंग गाइस, बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और रात हो रही है, क्योंकि मन ही नहीं था मेरा मतलब बात करने का, थोड़ा सा हम लोग अभी न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देख रहे हैं और सब लोग घर में ही हैं तो थोड़े से टेंशन में तो हैं, लेकिन कोई नहीं, हंसते हंसते ये सारे दिन भी हमको काटने ही हैं। तो पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये वाली रिंग के बारे में बहुत 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 ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये है सिल्वर की रिंग, ठीक है, चांदी की है, सोने की नहीं है और इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, ये आप देख सकते हो। तो ये रिंग मुझे मेरी मासी ने दी थी और मैं इसे बहुत टाइम से पहनी हुई हूँ और हमेशा ये मेरे हाथ में ही रहती है, इस वाली फिंगर में रहती है ये मेरे लेफ्ट हैंड में, ठीक है। और एक मेरे पास एक और कमेंट आया था कि दीदी मैं अपने से जुड़ी कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि दीदी आपने ये काला और लाल कौन सा धागा पहना है, तो ये पूजा का धागा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो बोल रहे थे कि ये अच्छा नहीं लगता है, इसे आप उतार देना। तो देखिए ये पूजा का धागा है, ये अच्छा लगने के लिए या अच्छा दिखाने के लिए नहीं पहना जाता है, मतलब पूजा होती है तो आप समझ सकते हो, और इसलिए मैंने इस धागे को पहना हुआ है, जब कोई प्रॉब्लम है हमारे साथ में वो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं इसको निकाल दूंगी, इसलिए मैंने इसको पहना हुआ है। और मेरे को बोल रहे थे कुछ लोग ही हैं जो हेट कमेंट करते हैं, और वही लोग बोल रहे थे कि मतलब मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मतलब मोनिका ने चाय बनाई थी तो वो फट गई थी उसके हाथ से दो बार चाय, हो जाता है कभी कभी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हाथ से भी चाय फट जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से फट जाती है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो कुछ लोगों ने तो क्या बोला कि आप जल रही हो मोनिका से, मतलब आपस से हमने और भाभी ने मिलकर चाय बनाई थी तो आप जल गई हो मोनिका से, आप जलती हो मोनिका से, मतलब ये कोई बात होती है क्या, वो मेरी छोटी बहन है, ठीक है, उसको अगर कोई चीज़ नहीं भी आती है या कोई चीज़ बिगड़ गई है तो मैं उसको सिखाऊंगी बताऊंगी, है ना, ये हमारा फर्ज बनता है, ना कि जलते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग कमेंट करते हैं आकर के, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो अभी हम लोग किस स्थिति से निकल रहे हैं, इसको हमें मतलब संभलना है इस टाइम पे, अभी हमें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन लेंगे तो और ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, बस हमें मतलब केयरफुल रहना है और संभल कर हमें एक एक अपना कदम जो है अब बढ़ाना है, लेकिन घर से बाहर के लिए नहीं बढ़ाना है, हमें घर में ही रह करके अपने जिम्मेदारियों को निभाना है। और हाँ, कल है 25 मार्च, तो कल से नवरात्रि आने वाले हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये वाला ब्लॉग कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कल से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हमने बहुत सारी माला बनाई थी घर पे ही, क्योंकि फूल जो है बाहर नहीं मिल पा रहे हैं इतने सारे, तो भैया ना कहीं बाग से फूल बहुत सारे लेके आए थे गाड़ी में रख के, तो मैंने और मोनिका ने मिलके, हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है, वो मतलब मेरी छोटी बहन ही है, मैं उसकी बड़ी बहन दीदी हूँ, तो हम दोनों सारे काम मिलकर ही करने लगे हैं आजकल, क्योंकि आमने सामने ही फ्लैट है, मन भी नहीं लगता एक दूसरे का और हम दोनों ही बातें करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, तो इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मैंने कल बहुत सारी माला बनाई थी, तभी से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था, आप सभी को दिखाया भी था, तो
कुछ माला मैंने आज भी बनाई है जो कि मैंने नहीं दिखाया। रोज रोज क्या दिखाना, आज भी हमने बहुत सारी माला बनाई है क्योंकि कल है नवरात्रे, तो माता रानी आने वाली हैं और माता रानी आ रही हैं तो मैं तो माता रानी से यही प्रे कर रही हूँ कि बस सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए, सब लोग हंसने लगे, खेलने लगे, बहुत अच्छा लगता है। और मैं पहले कुछ लोगों को विश कर देती हूँ। तो अर्चना मिश्रा जी हैं, इनका बर्थडे है 24 मार्च को, मतलब आज था 24 मार्च को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड नेक्स्ट हैं अन्विता गोस्वामी जी, इनका बर्थडे था 23 मार्च को, तो कल वो निकल गया है बर्थडे, कोई नहीं, मैंने विश कर दिया हैप्पी बर्थडे टू यू एंड गॉड ब्लेस यू। और अब मेरे हस्बैंड भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल नमस्कार का बड़ा दौर चल रहा है ना, तो हाथ नहीं मिलाना है, नमस्कार करना है सभी से, नमस्ते करना है। और हाँ, दोनों एक ही चीज़ होता है। और मैं कह रहा था कि देखिए हम जो है, पहले सुनिए आप ना, थोड़ा सा लाउडली बोलो क्योंकि ना मेरे पास फिर कमेंट आएंगे कि दीदी जीजू को बोलना थोड़ा सा लाउडली बोले, आप तो लाउडली बोलते हो लेकिन दीदी भैया जो है वो थोड़ा सा, तो मैं ये कह रहा हूँ। ओके, बिल्कुल राइट। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हम बड़ी ही, मतलब पूरा विश्व ही है ना, एक बड़ी भयानक स्थिति से गुजर रहा है। और कोरोना वायरस जो है वो एक मतलब खतरनाक वायरस है और तेजी से फैल रहा है ना। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ है ना, एक परिवार का सदस्य होने के नाते, कि आप लोग जो है घर से ना निकलें, ठीक है, और अपनों का ध्यान रखें है ना, और अपना ध्यान रखें। जब आप अपना ध्यान रखेंगे तो अपनों का ध्यान भी रख लेंगे कि आपको घर से नहीं निकलना है। और बाई चांस यदि आपको बहुत अर्जेंसी है, मतलब जाना ही है, कोई ऐसा काम है कि आपको आपके जाए बिना नहीं हो सकता, यदि आप बाहर जाते हैं तो मास्क पहने है ना, और मतलब हो सके तो कैप या हैंकी वगैरह, मतलब बालों को भी ढकें, और जब वापस आएँ आप तो सारे कपड़े जो है धोएं और नहाएं, और उसके बाद ही मतलब आप, और हैंड वॉश आपको बार बार करना है ना, सारी चीजें आजकल देखो चल रही हैं सोशल मीडिया पे, बाकी आप न्यूज पे भी तो देखें। इन सबको आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि चल रही है तो ऐसे आप क्या, छोटी सी हमारी गलती बहुत बड़ी हो सकती है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। छोटा सा आपका स्टेप आपको भी बचा सकता है, आपकी फैमिली को भी बचा सकता है। तो जो न्यूज पे चल रहा है, जो बताया जा रहा है, उसे इग्नोर ना करें, उसे फॉलो करें। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी हमें इतना अच्छे से बता रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, उन्हें इग्नोर मत कीजिए, उन्हें फॉलो कीजिए, क्योंकि जो वो बता रहे हैं वो हमारे लिए बता रहे हैं, हमारे फायदे के लिए। ऐसा नहीं है कि वो बोल के निकल जाएंगे, वो हमको जो भी कुछ बोल रहे हैं वो हमें फॉलो करना है, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप भी देख रहे होंगे न्यूज में, केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, और कोई इलाज नहीं है, है ना, सावधानी बचाव हाँ। के अलावा कोई इलाज नहीं है ना, तो गवर्नमेंट भी मजबूर है। और आप, हम सब जानते हैं कि अभी हमारी जो कंट्री है ना, सही तरीके से है ना तैयार भी नहीं है, है ना। मैं जानता हूँ कि अगर किसी छोटे शहर में 100 लोग बीमार हो जाते हैं तो एक साथ उनको है ना हॉस्पिटलाइज्ड करने में भी गवर्नमेंट को इश्यू है, क्योंकि उनके पास नहीं है व्यवस्था, है ना। तो बचाव ही उपाय है, आप अपना ध्यान रखें, यही मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और बाकी और तो घर में रहें, अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा पकाएं, और हो सके तो अच्छे से अच्छा, मतलब आप प्रोटीन लें, और तो खाने में आप अपने शामिल कर सकते हो, जैसे हरी सब्जियां खाएं, दालें खाएं, हो सके तो अनाज कम खाएं, इस तरह से मैंने कल सुना था, तो मैं भी वही फॉलो कर रही हूँ। दालें खाएं और हरी सब्जियां खाएं, पनीर खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, ये सारी सब्जियां, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रोटीन देती हैं, और एक्सरसाइज करें हो सके तो, बच्चों को भी एक्सरसाइज करवाएं क्योंकि बहुत जरूरी है इस टाइम पे एक्सरसाइज करना। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो 1 से 1.5 घंटे का टाइम दे सकते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो इस तरह से आप थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, है ना, हम लड़ सकते हैं इससे, कोरोना वायरस से भी हम लड़ सकते हैं, सब ईश्वर के हाथ में ही है, है ना। भगवान से आप भी प्रार्थना कीजिए, हम सब भी कर ही रहे हैं। देखिए डर मुझे भी लग रहा था, लेकिन अब बोलते हैं ना कि जो होना है वो तो होना ही है, डरने से भी कोई मतलब नहीं है, अगर हम डट के सामना करेंगे तो
सामना हम कर ही लेंगे, लड़ लेंगे कोरोना वायरस से, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब मैंने भी डरना छोड़ दिया है, क्योंकि जो कल होना है वो आज होगा और जो आज होना है वो आगे होगा, तो इसलिए डरो मत, डट के सामना करो, है ना, कोरोना वायरस से। तो बस इन्होंने मुझे समझाया है, मैं तो बहुत डर रही थी, आपको पता है मैं बहुत डरपोक भी हूँ। ये जो अफवाहें चल रही है ना, उन पर बिल्कुल ध्यान मत दो, कुछ भी हो जाएगा ना तो खाने पीने की चीजें गवर्नमेंट कैसे भी उपलब्ध कराएगी, घर तक कराएगी। और अभी तो वैसे दुकानें खुली रही हैं, तो आप कोशिश करें कि इतना सामान रखें, है ना, और एक दो सामान ना भी हो तो आप काम चलाए, और इतना भी ना रखें कि दूसरे लोग परेशान हो जाएं, कि उनको फिर हाँ इतना स्टॉक भी ना करें कि दूसरे लोगों को वो सामान ही ना मिले। इतना करें कि बस आप अपना खाना खा लें, अपने परिवार को खिला ले, इतना ना करें कि हम साल दो साल तक उसे रखे रहें, बाद में कोरोना वायरस चला जाएगा फिर हम उसका क्या करेंगे, है ना, एक्सपायर भी हो जाएगा वो, इसलिए इतना भी ना करें। और बस ये सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। मैंने सोचा मेरे पास कमेंट आए थे, दीदी आप समझाइएगा, शायद मतलब मेरे वीडियो जो लोग देखते हैं वो मुझे फॉलो भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरी इतनी सारी बातों को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही अच्छी बातें हैं और आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे। मेरी जो मैंने बातें बताई, मेरे हस्बैंड जी ने बताई आपको, मैंने ही बोला था कि आप भी आइए, थोड़ा सा समझाइए, सभी को बताइए। वैसे मुझे पता है कि आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, मुझसे ज्यादा समझदार हो, लेकिन जो मुझे पहली बार देख रहे हैं या फिर कुछ लोग हैं ना जो इग्नोर भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन जनता कर्फ्यू था उस दिन बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे थे, हालांकि पुलिस ने उनको बताया भी अच्छे से कि बाहर घूमने का नतीजा ही होता है। तो ये सोचते हैं और बाद में बोलते हैं कि हम माहौल देखने हम माहौल देखने आए थे, बाहर की कैसा चल रहा है, कितने लोग बाहर घूम रहे हैं, कोई नहीं घूम रहा है, आप ही लोग घूम रहे जो देखने आ रहे हो। तो इस तरीके की गलती ना करें, क्योंकि ये गलती आपके लिए ही हावी हो सकती है, ये गलती आप पर ही हावी हो सकती है, आपकी फैमिली पर हावी हो सकती है। तो चलिए फिर बस इतनी सी बात मुझे बतानी थी, कल से नवरात्रि हैं, तो कल मैं नया व्लॉग बनाऊंगी आप सभी के लिए, हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि सब नॉर्मल हो जाए, सामान्य स्थिति हो जाए, है ना। और आपको बता दूं कि मेरा एक जो मेरा मतलब जो भजन आने वाले थे ना, उनके ऑडियो कम्प्लीट है, दो ऑडियो कम्प्लीट हो गए थे, मंडे को मेरी शूटिंग थी तो वो मतलब वो भी अटक गई, कैंसिल हो गई, अभी फिलहाल तो कैंसिल तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ आगे के लिए चली गई है वो, तो आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। बाकी सब शूटिंग ही नहीं, सारे काम जो है सभी के आगे के लिए डिले हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक साथ भी अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो फैमिली से सिर्फ एक ही सदस्य जाए कुछ भी सामान लेने के लिए या कुछ भी काम के लिए, पूरा परिवार नहीं जाए कहीं भी। और अगर चार से पांच लोग एक साथ में खड़े हैं तो आप उन्हें भी टोक सकते हो, बोल सकते हो कि हमें एक साथ खड़े नहीं होना है चार से पांच लोगों को। तो बस यही सारी चीजों को फॉलो कीजिए। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग नहीं आई थिंक ये छोटी सी चीजें मुझे मतलब बोलनी थी वीडियो में, इसलिए मैंने इसे ज्यादा कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि डेली का वही सारा काम बार बार क्या बताना, अभी ये सारी बातें बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था, और जो कुछ भी किया था थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर कर दिया है। तो कल नवरात्रे हैं, मैं पहले दिन व्रत रखूंगी, अगर आप चाहें अगर आपको व्रत नहीं रखना है तो मत रखिए, तो मैं कल पहले दिन का फास्ट रखूंगी और लास्ट दिन का रखूंगी, और हो सके तो अभी 9 दिन के फास्ट मत रखिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और हमें अच्छे से अच्छा आहार लेना है, प्रोटीन लेना है हमारी हेल्थ के लिए, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और पहला कर सकते हो लेकिन ज्यादा टाइम तक भूखे मत रहिएगा, तो अच्छे से अच्छा खाना खाइए और हेल्दी रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं, छोटा सा व्लॉग है, इसी को एंजॉय कर लीजिए, मिलते हैं नए व्लॉग में, नवरात्रि व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, लव यू टू ऑल एंड टेक केयर।